आज के जो हमारे ट्यूटोरियल है दैट्स गोइंग टू वर्क इन दिस पाइथन के अंदर, तो ये जो ट्यूटोरियल दैट्स टोटली रिगार्डिंग टू द इमेज प्रोसेसिंग। तो इसके अंदर जो सबसे पहले जो हम लोगों ने टास्क लिया दैट्स गोइंग टू, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द इमेज, राइट, ऑन द शेप ऑफ द इमेज, इमेज हाइट, इमेज विड्थ, डायमेंशन ऑफ द इमेज, इमेज साइज और मैक्सिमम साइज ऑफ आरजीबी वैल्यूज इन दिस इमेज और मिनिमम साइज ऑफ आरजीबी इन दिस इमेज। तो इसको करने के लिए सर सबसे पहले आप हम लोगों ने जो लाइब्रेरीज इंपोर्ट किए हैं इमेज आईओ के नाम से है और सेकंड हमारे पास वो टीवी मैट प्लॉटलिब है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इमेज लिया है, तो इमेज आईओ जो हम लोगों ने रीड किए हैं दैट्स वो जो इमेज हमने कीप किया हुआ दैट्स ऑन डी ड्राइव d3.image। लेट्स सी द डी ड्राइव इमेज कौन सा हमारे पास, लेट मी शो यू अप ओवर हियर। वो ये इमेज है, ठीक है जी। अब इस इमेज के अगेंस्ट हम लोगों ने सारी कैलकुलेशन करनी है। तो हम लोग अपने वापस स्पाइडर में जाते हैं, तो देखते हैं कि हमारे पास ये है क्या। तो इसके अंदर जो लाइब्रेरीज है जो इन्वॉल्व की हुई दैट्स इमेज आईओ, राइट। तो इसको चेक करने के लिए हम लोगों ने पहले ही हमारे पास जो इसका पाइथन के अंदर हमारे स्पाइडर के अंदर इसके अंदर हमारी जो इम्पोर्ट है, तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। इम्पोर्ट मैं चेक कर लेता हूँ इमेज आईओ, तो इसका मतलब है ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड प्रॉपरली काम कर रही है। तो अगर ये काम नहीं कर रही तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमको इसको इंस्टॉल करना चाहिए। तो इसका जो मुकम्मल पाथ है इंस्टॉल करने का, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि लाइब्रेरीज को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हमारे पास जो इसकी हमारे पास जो इसकी इसकी जो हमारी सेटिंग्स हैं एनाकोंडा जनरेटर उसकी पावर प्रॉम्प्ट की, तो लेट मी गो इन टू दैट पार्ट, तो आपको वो इसको करवा दूँ कि वो कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसको सबसे ओपन किया, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरे पास ऑलरेडी सीडी एनाकोंडा 3, ठीक है जी। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर सीडी लिप्स, सीडी साइट पैकेजेस। तो मैंने यह किया हुआ था दैट्स पिप इंस्टॉल, यहाँ से मेरे पास जो अगर मैंने नहीं की हुई फाइल अगर इमेज एर आ रहा है इमेज आईओ का, तो मैं यहाँ से इसको जाकर पिप इंस्टॉल इमेज आईओ को मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो वो मेरे पास आपके पास ऑलरेडी करेगा, मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है इसका वर्जन में। सेकंड मैं इसको अगर इंस्टॉल करना चाहूँ पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, तो मैं भी वो कर सकता हूँ मैटप्लॉटलिब के अंदर, तो मैं इसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास ऑलरेडी इसमें मौजूद है। तो अगर मैं वापस जाता हूँ स्पाइडर के अंदर, तो स्पाइडर के अंदर ये दोनों लाइब्रेरीज आपको डिफाइन कर रहे हैं, आपको बता दिए। सेकेंडली ये आपकी ये फाइल थी जेपीजी फॉर्मेट में D3 के नाम से, और उसके बाद हमारे पास जो फिगर साइज हमने जो लिया हुआ 15x15 का है और इमेज जो शो किया हुआ दैट्स अपनी नेम ऑफ पिक है। तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट कराया हुआ टाइप ऑफ पिक की जो टाइप है वो लेनी है, दिस इज इसके अंदर लिया हुआ टाइप ऑफ इमेज हम लोग टाइप विच इज द पिक, राइट। दिस इज फॉर्मेटेड स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो ये भी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में यहाँ पर स्पेस लिया हुआ, दिस इज फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में इसका फॉर्मेट लिया हुआ पिक डॉट शेप के अंदर। फिर आप तो जब पिक डॉट शेप लेते हो तो पिक डॉट शेप के अंदर अगर हम इसको गौर से देखें तो मेरे पास तीन चीजें आती है उसकी, हाइट, विड्थ और डायमेंशन। तो मेरे पास इसके अंदर वो तीनों चीजों को डिफाइन करेगा शेप ऑफ द इमेज में, इसके साथ इसकी जो आउटपुट आएगी वो मुझे बता देगा कि मेरे पास इस इमेज का हाइट कितनी है, इस इमेज की विड्थ कितनी और इसकी डायमेंशन कितनी है। तो वो आप तीनों चीजें आपको डिफाइंड हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास पिक्चर की जो आपके पास हाइट है, विड्थ है और उसकी आपके पास डायमेंशन, उसके बाद आपने उसका फॉर्मेट बता दिया कि मेरे पास पिक्चर का फॉर्मेट क्या है। तो इसके अंदर पिक्चर का साइज पता चल गया। फिर लास्ट में हम लोगों ने इसकी आरजीबी की मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका लास्ट मोमेंट हम इसको रन करके देखते हैं कि रन कैसे करते हैं हम इस प्रोग्राम को। आप आ जाए रन के ऊपर, इसको कीजिए रन, ठीक है। तो हमारे पास जब इसका आउटपुट जब फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास ये चीज आ रही होगी। तो आपके पास स्पाइडर में आप जो रन करेगा तो वो आपके पास ये टाइप ऑफ द इमेज क्लास इमेज आईओ डॉट कॉड डॉट यूटीएलआई डॉट अरे, तो उसके बाद शेप ऑफ द इमेज, ठीक है। आपके पास दिस माय हाइट, दिस माय विड्थ एंड दिस माय डायमेंशंस, तो तीनों दी हुई हैं, उसको तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लें तो आप दैट्स कम द साइज।
उसको आप नहीं दे, मैक्सिमम साइज ऑफ मेरे पास आरजीबी में कितना है 255, मिनिमम कितना है 20, और मेरे पास इमेज कितना, अगर मैं इमेज को देखना चाहूँ स्पाइडर के अंदर वो देख सकता हूँ, ये मेरा प्लॉट है, तो प्लॉट अगर क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास उसका इमेज नजर आ रहा होगा, और ये उसकी भी वेरिएबल्स हैं, तो ये अरे उसकी पूरी की पूरी आपको दे रहे होंगे, डिफाइन कर रहे होंगे आफ्टर एग्जीक्यूशन। सो ये मेरे पास प्रॉपर एक ट्यूटोरियल है जिसमें आप एक इमेज को उसका साइज फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी उसकी हाइट, उसकी वेट, उसकी डायमेंशन, राइट, और उसके मिनिमम और मैक्सिमम साइज ऑफ द आरजीबी और प्लस विद द स्क्वायर फॉर्मेट ऑफ द शेप। ठीक है जी, आई होप आपके लिए ये ट्यूटोरियल काफी फायदेमंद होगा। थैंक यू वेरी मच।